हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो में 11 केजी ब्रेकर मशीन का कंप्लीट सर्विसिंग दिखाऊंगा। कैसे आप उसको रिपेयर कर सकते हो, नीडल वेयरिंग वगैरह कैसे चेंज कर सकते हो और रोटरी शाफ्ट भी कैसे लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए आर्मेचर ये जल गया है और ये देखिए इस यहाँ पर जो नीडल वेयरिंग है, जो नीडल वेयरिंग लगता है वो भी टूट गया है। तो यहाँ पर दोस्तों मशीन में प्रॉब्लम यह है कि नीडल वेयरिंग ये टूट गया था। ये देखिए छोटा छोटा बॉल भी और भी छोटा हो गया है ये बॉल, और ये नीडल वेयरिंग टूट गया था। और नीडल वेयरिंग टूटने के बाद भी ये जो मशीन है वो चलाया गया है, एक दिन के पकड़ लो, एक दिन दो दिन ये नीडल वेयरिंग तोड़ने के बाद भी चलाया गया है। इसके कारण दोस्तों आर्मेचर कॉइल में टॉर्च होकर जल गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीडल वेयरिंग टॉर्च हो रहा था और उसकी वजह से आर्मेचर कॉइल में टॉर्च होकर ये पूरा आर्मेचर जल गया है। तो इसके कारण दोस्तों हमको ये आर्मेचर को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा धुआं निकल गया है इसमें। तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा और मैं कैसे चेंज किया जाता है और कंप्लीट सर्विसिंग आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। दोस्तों ये मशीन पहले हमको इसको क्लीन करना है, तो पूरा अच्छा से क्लीन कर लीजिए, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए 11 केजी मशीन अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो कहाँ छोटा मोटा दिक्कत है अभी वो भी पता नहीं चलेगा, तो क्लीन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए मैं क्लीन कर चुका हूँ। आप किरोसिन डीजल वगैरह यूज करके आप इसको क्लीन कर सकते हो और ये देखिए पूरा परफेक्ट तरीके से आपको क्लीन करना है। दोस्तों ये पार्ट वन और पार्ट टू में वीडियो बनेगा। पार्ट वन में आपको मोटर साइड जो जितने भी चीज़ लगता है पूरा कंप्लीट जानकारी दूंगा। पार्ट टू आपको नेक्स्ट डे में मिल जाएगा, अगर अपलोड हो चुका है तो आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। आपको पहले ये देखिए फिर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इंपैक्ट मैकेनिज्म में उसका नीडल वेयरिंग लगाना है। जैसे आप लगाओगे तो मोटर सबसे पहला, अगर आप रिपेयर कर रहे हो तो ब्रेकर मशीन में सबसे पहला मोटर साइड फिटिंग कीजिए। मोटर साइड फिटिंग करने के लिए हमको नीडल वेयरिंग को लगाना जरूरी है। इंपैक्ट मैकेनिज्म में जो नीडल वेयरिंग लगता है, ये देखिए नीडल वेयरिंग है, इसको हमको लगाना जरूरी है। तो कैसे लगाएंगे नीडल वेयरिंग, यहाँ पर देखिए ये जो वेयरिंग है पूरा परफेक्ट यहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन ये जो टूट गया था तो ये बहुत ढीला हो जाएगा, मतलब गैप हो रहा है। ये देखिए कितना ढीला है, लेकिन हम अगर नया लगाएंगे इसमें तो पूरा परफेक्ट जाएगा। तो इसके वजह से ये आर्मेचर कॉइल में टॉच होकर ख़राब हो गया है। तो इस आर्मेचर को हमको चेंज करना है, पहले ये नीडल वेयरिंग हम यहाँ पे लगा लेते हैं इंपैक्ट मैकेनिज्म में। ओके, ये देखिए मैं ये आर्मेचर यूज़ करूँगा, इसमें हम लगाएंगे तो पूरा परफेक्ट तरीके से जाएगा। और ये आर्मेचर पूरा क्वालिटी अच्छा रहता है। अगर कोई भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए वहाँ पर परचेज भी कर सकते हो। यहाँ देखिए ये पूरा परफेक्ट जा रहा है। आप दोस्तों नीडल बेयरिंग ये मशीन में टूटता है, अच्छा वाला नीडल बेयरिंग यूज कीजिए, ज़्यादा नहीं टूटेगा लेकिन टूटता है। तो आप ये ध्यान दीजिए, अगर मशीन में साउंड हो रहा है तो आप नीडल बेयरिंग को चेंज कीजिए। यहाँ पे देखिए नीडल बेयरिंग को हम इंपैक्ट मैकेनिज्म में बिठाएंगे। उससे पहले देखिए हम कुछ सामान की ज़रूरत है, जैसे कि हम नीडल बेयरिंग बिठाएंगे, ये देखिए ऐसे रहना चाहिए पूरा क्लियर। हम जब नीडल बेयरिंग को पीटेंगे तो पूरा प्लेन रहना चाहिए जो बूस्ट में आप पीट रहे हो। ओके, पहले हम क्लीन कर लेते हैं थोड़ा। ओके, यहाँ पे देखिए नीडल बेयरिंग टाइट जाना चाहिए, बहुत मशीन में ये ढीला हुआ था, इसके वजह से ये आपका मशीन में बहुत हीट होगा, स्पार्क आएगा, इसके वजह से टाइट होके जाना चाहिए ये नीडल बेयरिंग। ओके, ये देखिए पूरा परफेक्ट टाइट में जा रहा है और चला भी गया है अंदर। ओके, ये देखिए ये पूरा परफेक्ट फिटिंग हो चुका है, अब थोड़ा पीट लेंगे। और ओके, यहाँ पे दोस्तों बैठ चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों इंपैक्ट मैकेनिज्म में नीडल बेयरिंग बिठाने के बाद उसके ऊपर दो रोटरी सब लेफ्ट से लगता है, जो स्पॉन्ज टाइप का रहता है वो भी इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी लगाना चाहिए। यहाँ पे देखिए नीडल बेयरिंग पीटने के बाद हम चारों तरफ थोड़े ग्रीस लगा लेंगे। ओके, फिर हम यहाँ पे देंगे उसका रोटरी सब लेफ्ट सेल। दोस्तों यहाँ पे रोटरी सब लेफ्ट सेल एक ही लगता है, और आप उसका दोस्तों एक ही लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा नीडल वेयरिंग से रोटरी सब थोड़ा गैप रहता है, तो वो गैप 2 से 2.5 mm तक रहता है। अगर आपको उसको अगर पीटोगे तो इधर उधर हो सकता है। इसके वजह से आपको क्या करना है, दोनों रोटरी शाफ्ट इसमें यूज़ करना है, दो रोटरी शाफ्ट ये इसमें अब पूरा कम्प्लीटली पीट लीजिए, नीडल बेयरिंग के साथ सेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर आप एक रोटरी शाफ्ट दे रहे हो तो नीडल बेयरिंग से रोटरी शाफ्ट 2 से 2.5 mm तक रहना चाहिए। ओके, अगर आप ये माप आपको नहीं मिल रहा है तो आप दोनों रोटरी शाफ्ट को पीट लीजिए। देखिए जैसे कि मैं पहला रोटरी शाफ्ट यहाँ पर लगा रहा हूँ और दूसरा भी यहाँ पे मैं लगा दूंगा।
ओके बहुत मशीन में मैं एक रोटरी सब लिप सील दिया हूँ, लेकिन इसमें मैं दो रोटरी सब लिप सील दे रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छा रहेगा, आप भी काम कर सकते हो ऐसे। ओके यहाँ पे मैं दो रोटरी सब लिप सील दे चुका हूँ, आपको मार्केट में मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। ये रोटरी सब, नीडल बेयरिंग सब कुछ आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा, जाइए लिंक नीचे है, आप जाके परचेज कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, जाइए परचेज कीजिए, आपको सेफली पूरा सेफ रहेगा आपका मनी, पैसा आप डाल सकते हो, आपके पास 8 से 10 दिन के अंदर इंडिया में जहाँ भी हो मिल जाएगा। ओके दोस्तों, मोटर में आपको इंपैक्ट मैकेनिज्म लगा के स्क्रू चट्टू टाइट कर देना है, काम खत्म हो जाएगा, फिर हम आ जाएंगे मोटर के पास। और यहाँ पे दोस्तों मोटर फिटिंग करने से पहले आपको इंपैक्ट मैकेनिज्म को फिटिंग करना जरूरी है, आप इंपैक्ट मैकेनिज्म फिटिंग नहीं करके मोटर को फिटिंग नहीं कर पाओगे। ओके तो बेयरिंग वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आर्मेचर में अगर बेयरिंग वो जो नीडल बेयरिंग नहीं लगेगा तो आर्मेचर बिल्कुल नहीं चलने वाला है, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो आप इंपैक्ट मैकेनिज्म लगा लीजिए फिर मोटर फिटिंग कीजिए। पहला दोस्तों आपको मोटर फिटिंग करना है। ओके यहाँ पे देखिए कॉइल को हमको यहाँ पे बिठाना है, ये एक बहुत आसान सा तरीका है, कॉइल आराम से चला जाएगा, अगर टाइट भी हो रहा है तो थोड़ा पीट लीजिए, अच्छा से चला जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बहुत दिक्कत करता था यहाँ पे, अब मैं फिर क्या किया दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल में ये चला भी जाता है, लेकिन कभी कभी ये जाम भी होता है, कभी कभी नहीं जाता है, बहुत दिक्कत करता है। तो आप लगा लीजिए, लगा के परफेक्ट बिठा लीजिए, फिर चारों तरफ पीट लीजिए, ये चला जाएगा। आपको अगर डाउट है कि ये सही से नहीं बिठ रहा है तो अंदर नीचे पीट लीजिए, थोड़ा पीट लीजिए परफेक्ट तरीका से, आपका कॉइल बिठ जाएगा ऑटोमेटिक, फिर आपको थोड़ा प्रेशर करके आपको बिठा देना है, कोई इशू नहीं है इसमें। टाइट होना चाहिए दोस्तों, ये कॉइल टाइट होना चाहिए, कभी भी ये ढीला हिलना नहीं चाहिए, अगर हिल रहा है तो एमसील लेके उसको टाइट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। फिर हम इसमें दो प्रेशर लगा लेंगे, दोनों साइड में दो प्लास्टिक का रहता है ब्लैक कलर का, वो लगाना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका उसका जो कार्बन होल्डर रहता है, ब्रश होल्डर रहता है, वो सही से बैठेगा नहीं है। ओके यहाँ पे दोनों प्रेशर को हम लगा लेंगे। तो दोस्तों चैनल मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस टाइप का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये क्वालिटी का वीडियो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और सभी पावर टूल्स का जानकारी आपको ये चैनल में मिलने वाला है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। यहाँ पे देखिए आर्मेचर में हम चेंज करेंगे, तो आर्मेचर को उसका जो बेयरिंग लगता है 6200 का बेयरिंग लगता है, उसको हमको खोलना है, तो सर्किल यहाँ पे खोल लिया। तो इसमें दोस्तों ये जो बेयरिंग जो होल्डर जहाँ पे रहता है, बुशिंग बोलते हैं उसको, तो इसको खोलने का उपाय ये है, देखिए ये जो हमारा खुद में बनाया हूँ इसको होल करके, तो ये अगर चाहिए तो जाइए वेबसाइट में, आपको मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा नीचे। ओके ये एक ही उपाय है आपको उसको खोलने का, और कोई आपको जो पूलर वगैरह यूज़ करके बहुत दिक्कत करेगा, अगर खोल ले हो तो 1 घंटा 2 घंटा पकड़ लो, 10-20 मिनट मिनिमम 20 मिनट लगेगा उसको खोलने के लिए, लेकिन ये आसान से हो जाएगा, कोई इशू नहीं। मैं उसको ट्राई भी नहीं किया हूँ, लेकिन ये मैं पहले से काम कर रहा हूँ, अगर आपको देखना है वीडियो पहले भी देखिए, वो ये आपको मिल जाएगा। ओके ये आसान सा तरीका होता है, 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा काम, इसमें निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बहुत लोगों ने इसको ये बेयरिंग खोलने के लिए बहुत दूर से आते हैं, तो ये चीज़ है, कोई आसान सा तरीका हमको ढूंढना है, तो ये आसान सा तरीका है। ओके ये पूरा निकल गया देखिए, और दोस्तों यहाँ पे आर्मेचर में हमारा कोई काम नहीं है, नया आर्मेचर इसमें डालेंगे, तो ये हमारी जो बुशिंग रहता है उसको हमको लगाना है। यहाँ पे नया आर्मेचर हम लगाएंगे, इसमें ये लगा लेंगे दोस्तों, इसको भी लगाना पूरा आसान है, आप थोड़ा ट्राई कीजिए। ये जो दोस्तों मेरे पास जो चीज़ है वो बहुत जगह में फिट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा पीट लीजिए, अगर जा रहा है तो सही है, नहीं जा रहा है तो छोड़ लीजिए। आपको वो मेरे पास जो यहाँ पर चीज़ है, ये देखिए ये जो स्ट्राइकर पेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बहुत काम में लगता है, अगर आपको चाहिए कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा इनको ये जो चीज़ अवेलेबल करने के लिए। ओके यहाँ पे देखिए हम इसको पीट लेंगे, कोई भी अगर इसमें आप यूज़ करके बेयरिंग पीटोगे ना, तो बेयरिंग में कोई भी थोड़ा सा भी टाल नहीं होने वाला है। बहुत लोग क्या करते हैं, बेयरिंग को पीट लेते हैं, वो बहुत टाल हो जाता है, कभी कभी घूमता भी नहीं है, ये गलत बात है। अगर आप बेयरिंग पीट रहे हो तो परफेक्ट तरीके से पीटिए, ताकि ये नया जैसा रहे घूमे, परफेक्ट घूमे, कोई इशू नहीं होगा। दोस्त अगर आपका बेयरिंग पीट वो जाम हो रहा है तो चेंज कीजिए बेयरिंग को, जरूर चेंज कीजिए, नहीं तो आर्मेचर में फिर प्रॉब्लम, वो बेयरिंग टूटेगा, फिर वो बेयरिंग की वजह से। यहाँ पे देखिए ये आर्मेचर में कोई दिक्कत नहीं था, ये आर्मेचर नीडल बेयरिंग टूटने के बाद इसको कंटिन्यू चलाया गया है, इसके वजह से आर्मेचर जल गया है। ओके यहाँ पे देखिए वो ये बेयरिंग फिट हो चुका है, अभी हम लगाएंगे आर्मेचर में। दोस्तों ये देखिए ब्रश होल्डर है,
और इसको भी लगाना देखिए साथ में, आप आर्मेचर के साथ अभी इसको लगा सकते हो, नहीं तो मैं बहुत वीडियो में आपको बताया हूँ कि आर्मेचर के साथ भी लगा सकते हो। अभी आपको मैं नया तरीके से बताऊँगा कि पहले यहाँ पे इसका जो ये ब्रश होल्डर है उसको लगा लेंगे, फिर हम आर्मेचर लगाएंगे। इस तरीके से भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। इसमें आपको परफेक्ट होगा, उसमें भी परफेक्ट होगा, आपके मर्जी, जो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप देखिए, मैं यहाँ पर देखिए ये ब्रश होल्डर को मोटर में फिटिंग कर रहा हूँ। फिटिंग करने के बाद फिर आर्मेचर घुसाऊंगा। पहले मैं तो आर्मेचर के साथ ब्रश होल्डर भी घुसा रहा था, कोई इशू नहीं, दोनों को यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये बैठ चुका है, ये देखिए यहाँ पे जो तार है ये निकल गया है, तो इसके वजह से परफेक्टली नहीं बैठ रहा है। तो फिर मैं तार को अंदर ले लूँगा, फिर ये आसान से घुस जाएगा। देखिए ये मेरे से गलती हुआ था, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए, कोई भी चीज़ परफेक्ट होगा तो सब कुछ परफेक्ट फिटिंग हो जाएगा, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत होगा तो दिक्कत करेगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा ग्रीस लगाइए और लगा के दोस्तों यहाँ पे आपको अंदर घुसाना है, और यहाँ पे दोस्तों बहुत टाइट जाएगा, अगर टाइट जा रहा है तो कोई इशू नहीं है। अब ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि टाइट क्यों जा रहा है, आप इसमें भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन दोस्तों ये टाइट जा रहा है क्योंकि इसमें जो रोटरी शाफ्ट लगाया है वो टाइट से ही जाएगा, क्योंकि उसमें अगर यहाँ से मतलब गियर हाउसिंग से अगर ग्रीस आ जाएगा ऊपर, दिक्कत करता है, तो इसलिए आर्मेचर में वो जो रोटरी शाफ्ट वो पकड़ के रखता है, तो टाइट जाएगा, कोई इशू नहीं है, आप ऐसे फिटिंग कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों फिटिंग हो चुका है लगभग, थोड़ा हम पीट लेंगे ताकि हमको कन्फर्म हो जाए वो पूरा अंदर गया है या नहीं गया है। ओके, थोड़ा टाइट है, कोई इशू नहीं है। चलो अभी हम क्या करेंगे, उसमें कार्बन जो स्क्रू लगता है उसको लगा लेंगे, फिर कार्बन लगा लेंगे, फिटिंग कर देंगे। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए इस टाइप का वीडियो आगे देखने के लिए। तो दोस्तों इसमें कोई भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है या फिर पावर टूल्स की कोई भी स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, सबसे ऊपर जो लिंक है आप वहाँ पर क्लिक करके जा सकते हो। आप कोई भी मेरा कोई भी वीडियो देख लो, इसमें आपको 100% आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप जाके सबसे ऊपर जो लिंक है आप क्लिक करके उसमें जा सकते हो, और वहाँ पे जाके कोई भी स्पेयर पार्ट्स ऑर्डर करना है तो ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको दोस्तों होलसेल में चाहिए तो डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिए, एक दो पीस चाहिए तो वहाँ पे जाइए, क्योंकि अगर आपको होलसेल में लेना है तो क्वांटिटी भी रहना चाहिए। अगर होलसेल प्राइस आप पूछोगे तो क्वांटिटी ज़रूर होना चाहिए, एक दो पीस पे का होलसेल प्राइस मैं नहीं बता सकता हूँ। तो ये देखिए अभी ये जो कार्बन होल्डर का स्क्रू रहता है उसको हम टाइट कर लेंगे, ये कम्प्लीट हो चुका है, अभी हम उसमें कार्बन लगा लेंगे। कार्बन लगाने का तरीका यहाँ पर देखिए, स्प्रिंग को थोड़ा निकाल लीजिए, स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते टेस्टर यूज़ करके, फिर आप कार्बन लगा के उसका जो कॉइल का कनेक्टर साइड में कार्बन जो कनेक्ट हुआ है उसके नीचे लगाना है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर अब ये जो कॉइल का कनेक्टर प्लस कार्बन का कनेक्टर वो टाइट में जाना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए, अगर ढीला होगा तो दिक्कत होगा, ज़रूर टाइट में दीजिए, परफेक्ट तरीका से ये फिटिंग हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए ये कम्प्लीट हो चुका है, लगभग ये कम्प्लीट हो चुका है, अभी हम थोड़ा टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कम्प्लीट फिटिंग करोगे फिर अगर कोई थोड़ा मोटा दिक्कत होगा तो फिर आपको खोलना पड़ेगा। अभी दोस्तों आपको इसमें सीरीज़ में टेस्ट करना है, नहीं तो कंटिन्यूटी भी टेस्ट यहाँ पर यूज कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे सीरीज और कंटिन्यूटी टेस्टर दिखाएगा, लेकिन गवर्नर के नीचे कंटिन्यूटी टेस्टर गलत परफेक्ट तरीके से बता नहीं पाएगा। और यहाँ पे हमेशा ट्राई कीजिए सीरीज में टेस्ट करने के लिए 11 केजी ब्रेकर मशीन। तो यहाँ पे दोस्तों सब कुछ रेडी हो चुका है, लगभग ये रेडी हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, कॉइल से जो दो पॉइंट आता है उसको हमको इसमें ये जो स्पीड गवर्नर रहता है उसमें कनेक्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप मशीन में कोई दिक्कत है, चालू नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे ये जो दो पॉइंट है इसमें आप सीरीज लगाइए, अगर यहाँ पे आपका सीरीज में कंटिन्यूटी दिखा रहा है तो मोटर वगैरह सब कुछ सही है। नीचे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए उसका बैरिंग जो होल्डर रहता है ऊपर में बैरिंग कवर रहता है उसको हम लगाएंगे, उसमें दोस्त घाटी रहता है वो ज़रूर ध्यान दीजिए। और ये देखिए ये घाटी में आपको उसका जो बूसिंग रहता है उसको लगाना चाहिए, फिर ये लग जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। चार ठो स्क्रू टाइट कीजिए, फिर उसमें आप उसका थ्रेड नट लगा पाओगे। पहले आप उसका चार ठो स्क्रू लगा लीजिए, फिर आप उसमें थ्रेड नट लगाओगे। दोस्तों यहाँ पे कभी कभी थ्रेड नट नहीं लगता है क्योंकि आर्मेचर थोड़ा नीचे चला जाता है, इसके वजह से नहीं लगता, लेकिन इसमें लग जाएगा। अगर वो कंडीशन में आपको क्या करना है, मशीन को साइड में रख लीजिए, एक टेस्टर में आपको वो जो बूसिंग रहता है जिसमें वेयरिंग लगता है उसको थोड़ा ऊपर लीजिए, लेके आप थ्रेनर लगा सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए थ्रेनर लगा के 10 नंबर एलिंग से टाइट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मशीन को चला लेंगे, देखेंगे। दोस्तों ये पार्ट वन है, और पार्ट टू का वीडियो आपको कल रात में मिल जाएगा, अगर वीडियो अपलोड हो चुका है आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। अभी दोस्तों मशीन को चालू कर लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पे कोई इशू नहीं है, परफेक्ट चल रहा है। थोड़ा हम स्पीड गवर्नर को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई इशू नहीं है, आप ज़रूर ध्यान दीजिए मशीन अगर चला रहे हो तो आप आर्मेचर जहाँ पे कार्बन लगता है वो पोजीशन में अगर स्पार्क कराए तो मशीन थोड़ा दोबारा चेक कीजिए, शायद कोई दिक्कत होगा, लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है, परफेक्ट चल रहा है। तो यह है दोस्तों पार्ट वन। पार्ट टू में आपको दिखाया जाएगा कि इसमें हैमरिंग पोजीशन, जो हैमरिंग में जो चीज़ लगता है वो क्या कैसे लगता है, सब कुछ नाम वगैरह तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अगर नाम वगैरह देखना है तो ये एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। और इसका पार्ट टू भी अगर आ चुका है तो आपको भी ये एंड स्क्रीन में आपको वो पार्ट टू का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मेरे दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए इस टाइप का वीडियो आगे देखने के लिए। धन्यवाद।